नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वेलकम एंड योर विद नम्रता। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप हेयर ट्रीटमेंट सिर्फ 74 रुपीस में कैसे करें, वो भी घर पे। अगर हम जाते हैं पार्लर में हेयर स्पा और सब करवाते हैं हेयर ट्रीटमेंट, तो आराम से हमारा 1000-2000 रुपीस तो कहीं नहीं गया। और हम लड़कियां अगर पार्लर में गई तो डेफिनेटली हेयर स्पा के साथ साथ वैक्सिंग, थ्रेडिंग और बहुत सारी लंबी बिल बन जाती है काफी। तो उन सब चीजों को सेव करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो। सो गाइस इस वीडियो के देखने के बाद आप अपना पैसा आराम से बचा सकते हैं। तो यस गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस हेयर ट्रीटमेंट में जो की हेयर स्पा इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं जो यूज करने वाली हेयर स्पा के लिए वो है ये ज्यू का हेयर स्पा प्रोफेशनल हेयर ट्रीटमेंट। और ये इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स वैसे इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे हैं, बट मैं बस वही बता रही हूँ जो हम सबको समझ में आए। तो अगर बेस्ट इंग्रेडिएंट्स में देखा जाए तो वो है शिया बटर। शिया बटर हम सबको पता है हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और आर्गन ऑयल। तो ये दोनों ही चीज बहुत अच्छी, और भी कुछ है बहुत सारे चीजें बट वो थोड़े से के ऊपर की चीजें हैं। तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, टिप्स ट्रिक्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने हेयर को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग और अच्छा हेल्दी रख सकते हैं, फुल ट्रीटमेंट दे सकते हैं सिर्फ 74 रुपीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हेयर ट्रीटमेंट। एज यू कैन सी गाइस मेरे हेयर पूरे वेट हैं और मैंने जस्ट वॉश किया अपना हेयर। तो वेट हेयर में एक हल्का हल्का कोमिंग करिए, ज्यादा मतलब प्रेशर देके कोम नहीं करना है, कि अगर कोमिंग कर लेंगे तो क्रीम लगाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। मैं क्रीम निकाल लूंगी। क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट करें अपने रूट्स से, और उसके बाद आपको पतले पतले स्ट्रिप्स लेने हेयर के। मेक श्योर करें गाइस पतले ही स्ट्रिप्स ले, मोटे नहीं लेना है, क्योंकि अगर पतले पतले स्ट्रिप्स लेंगे तभी आपकी जो क्रीम है वो सारे हेयर में इवनली अप्लाई हो जाएगी। और आपको हेयर के एक एक स्ट्रिप्स लेने के बाद जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं आपको उसी तरीके से प्रोसीजर करना है, जिससे कि हेयर में आपका जो क्रीम है अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो जाए। और आप गाइस देख सकते हैं जैसे ही मैं हेयर का एक स्ट्रिप ले रही हूँ, पहले मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ अपने रूट्स में। रूट्स में क्रीम अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हेयर डैंड्रफ को ट्रीट करता है। अगर आपके हेयर में डैंड्रफ है गाइस, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए अपने हेयर में, जिससे कि आपके सारे जो क्रीम है वो आपके हेयर में ऑब्जर्व कर ले। जितना सेक्शन हेयर का अप्लाई करते जा रहे हैं आप ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने क्लच से सिक्योर कर लिया, बस उसी तरीके से आप सिक्योर करते जाए। इसका प्राइस है 450 रुपीज, लेकिन अभी चल रहा है अमेजोन पे ऑफर, तो आपको इजिली मिल जाएगा ये 370 रुपीज में। इसमें आपको मिलेगा 450 ml का क्रीम जो कि आप यूज कर सकते हैं 4-5 टाइम्स। अब गाइस अगर आप जाएंगे पार्लर में 5 टाइम्स तो लगेंगे आपके पूरे 5000 रुपए, एक टाइम का 1000 रुपीज आपका इजिली लगेगा किसी भी पार्लर में आप जाए। तो अगर मैं 370 रुपीज डिवाइडेड बाय 5 करती हूँ तो मिलता है मुझे 74 रुपीज एक बार मेरे हेयर ट्रीटमेंट करने का, हेयर स्पा करने का। और आप पार्लर में करवाएंगे तो वहां पे लग जाएगा पूरे 5000 रुपए। तो 5000 रुपए का जो ट्रीटमेंट है वो आप सिर्फ 74 रुपीज में घर पे एकदम इजीली अपना मनी सेव करके कर सकते हैं। रिजल्ट भी आपको मिलेगा पार्लर जैसा ही। ये प्रोडक्ट सिर्फ मनी सेवर नहीं, टाइम सेवर भी, क्योंकि इसमें स्टीम लेना कंपलसरी नहीं है गाइज। आप चाहें तो ले, अगर आप नहीं चाहते, आप जल्दी में, मान लीजिए शाम को कोई शादी पार्टी है, मॉर्निंग में आप हेयर वॉश कीजिए, क्रीम अप्लाई कीजिए, 15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए विदाउट यूजिंग कंडीशनर एंड यू आर डन। अपने फिंगर से आपको अच्छे तरीके से एक बार अपने फिंगर को रन कर लेना हेयर में, जिससे कि जो क्रीम है वो अच्छे से इवनली हर एक हेयर में हमारे अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाए।
एज यू कैन सी गाइज काफी हद तक ये ऑब्जर्व कर चुका है, जो हेयर है मेरा वो पूरा ऑब्जर्व कर चुका है क्रीम को। जब हेयर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर ले आपके पूरे क्रीम को, उसके बाद अब हम देंगे हेड मसाज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। तो हेड मसाज देने के लिए मेक श्योर करिए जो आपका थंब है वो आपके हेड के जो एकदम मिडल में जो पॉइंट है, लाइक ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपको इस तरीके से ये दोनों रखना है, और आपको सिर्फ फिंगर टिप से ही आपके हेड को मसाज देना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, सिर्फ जो भी आप प्रेशर दे रहे हैं वो अपने फिंगर टिप से। सो हेड मसाज के बाद आप इसे 15 मिनट्स तक आप इस तरीके से ही छोड़ सकते हैं, या अगर आप वीक में दो बार इसे करना है, अगर आप वीक में टू टाइम्स करें तो मेक श्योर करें सिर्फ एक टाइम ही आपको स्टीम लेना है, सेकेंड टाइम आप स्टीम मत लीजिए, क्योंकि ज्यादा स्टीम भी हमारे हेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टीम इसलिए दिया जाता है जिससे कि आपका जो क्रीम है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए, रूट्स में चले जाए, आपके जो हेयर है उसको काफी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर ले क्रीम, सिर्फ इसलिए स्टीम दिया जाता है। तो मेक श्योर करें कि अगर आप कर रहे हैं वीक में टू टाइम्स तो आपको स्टीम एक बार ही देनी है, सेकेंड टाइम नहीं देनी है। तो यहाँ पे मैं विदाउट स्टीम करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये यूज कर रखा है स्टीम विद स्टीम और विदाउट स्टीम दोनों टाइम। एज यू कैन सी गाइज ये काफी इतना खाली हो चुका है, ये देखिए मेरा हाथ इतना अंदर जा रहा है। सो इतना मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो मैं यूज करने के बाद ही बता रही हूँ इसका जो रिजल्ट होता है काफी अच्छा आता है। सो गाइस 10 टू 15 मिनट के बाद हेयर मैंने वॉश कर लिया है और कंडीशनर यूज नहीं किया मैंने, क्योंकि इस हेयर स्पा को कंडीशनर की कोई जरूरत नहीं है। सो अब मैं इस हेयर को नेचुरल एयर में ही सुखाऊंगी, ड्राई करूंगी, हेयर ड्रायर मैं नहीं यूज करूंगी। आप भी अगर हो सके ज्यादा से ज्यादा तो हेयर ड्रायर ना यूज करें, जो हॉट एयर होता है उससे कहीं ना कहीं हमारे हेयर डैमेज होते हैं। लेकिन आप अगर रश में है बहुत जल्दी है कहीं जाने की, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद द हेयर ड्रायर। लाइक शाइनी एंड स्मूथ एकदम बोल सकते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पे ज्यूक का ही हेयर सीरम अप्लाई करने वाली हूँ, और ये आप देख सकते हैं मैंने इतना यूज कर रखा है। इसमें भी बहुत अच्छे दो एलिमेंट्स मुझे लगे, दो तीन एलिमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, लाइक की इंग्रेडिएंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, वो है आलमंड ऑयल, अरागन ऑयल और विटामिन ई। तो विटामिन ई तो हम सबको पता है कि ये कितना अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, मतलब हर चीज के लिए, विटामिन ई और एलोवेरा। तो ये दोनों चीज तो मेरे जैसे फेवरेट है, अगर आप बोले तो मैं एक सेपरेट वीडियो एक विटामिन ई पे बना देती हूँ और एक एलोवेरा पे बना देती हूँ। अगर आपको बेनिफिट जानने प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट मुझे आए तो मैं उस पर बनाऊंगी। तो आप मुझे बताइए कि मैं एलोवेरा पे बनाऊँ या विटामिन ई पे बनाऊँ। रूट से अप्लाई नहीं करना है आपको, सिर्फ ये जो आपका लेंथ है उस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अपने पाम में ले लेती हूँ। ओके सो मैं इतना, और इसका स्मेल फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा, तो ये इस तरीके से पाम में थोड़ा सा रब कर ले, और उसके बाद अब ये सीरम आपके हेयर को सिल्की, शाइनी और टैंगल फ्री बनाता है। इसके साथ ही साथ ये एक हीट प्रोटेक्टर भी है। अगर आप कर्लिंग कर रहे हैं, आयनिंग स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले ये अप्लाई करें। हीट से जो आपकी हेयर डैमेज होती है उससे ये प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा आपके हेयर को। सो गाइस
तो आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर जो है कितनी शाइनी हो चुके हैं, स्मूथ एंड सिल्की। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कुछ और लोगों का भी हेल्प कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। पसंद आए हम मेरा वीडियो देखना आपको तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन बस इस वीडियो के नीचे इस साइड में दिया गया है, घंटी दी गई उसे जरूर बजाएं क्योंकि वही बताएगी मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश। सो 10 to 15 minutes, सो गाइस एक मिनट आ रही हूं, एक मिनट रुको। सो गाइस 10 to 15 minutes, 15 डम्बो, 15 बोल, 15, 15, 15, 15, 15, गुड गुड, 1 to 6, 3, 6 सीखना पड़ेगा। ओके ओके, सो गाइस 10 to 15 मिनट्स।